समाज में परिवर्तन कौन लाएगा? जब भी समाज की परिवर्तन की बात आती है, हमें बातें बड़ी अच्छी लगती है। देखो ताली बजा दी, अच्छी लगी बात, ताली बजा दी, लेकिन जब करने की बारी आती है तब तब हम सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं, इस आश्रम के बाहर, इस हरिद्वार के बाहर, इस धाम से बाहर लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया कितनी बुरी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गौ सेवा करे ना करे, उनका कर्म उनके साथ। लेकिन ये जितने आप बैठे हो ना यहां गिनती के, आप लोगों का परम दायित्व है, क्योंकि आप सत्संग में बैठे हो। आप पर ठप्पा लग चुका है कि आप सत्संगी हो, और अगर आप सत्संगी हो तो आपका जीवन भी सत्संगी जैसा ही होना चाहिए। ऐसा कोई कर्म न करे, सेवा करे, जिससे हम ये कह सके कि हाँ हमने सत्संग को जिया है, केवल सुना नहीं। गौ माता पड़ी है सड़क पर, देखा है एक्सीडेंट में पांव टूट गया, देख के चले गए, हमें क्या। लेकिन वो हमें क्या ना, बाद में फिर वो ऐसे घूम करके आता है। न्यूटन ने लॉ दिया ना कि जो आप ग्रेविटी का जो लॉ दिया है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम आता है, परिणाम आता है आपदा के रूप में, कोरोना के रूप में, फिर हाहाकार मचाते और फिर तथा कथित लोग झंडा ले लेके घूमते। हमसे कोरोना में कितने लोगों ने अब कहाँ गया तुम्हारा भगवान, क्यों नहीं सुनता तुम्हारा भगवान। हमारा भगवान तो जब तुम पशु पक्षियों को नोच नोच के खाते हो ना, तब भी वो छुप ही रहता, वो देखता है बस कि मैंने तुम्हारे हवाले प्रकृति कर दी, तू संभाल, तू डुबा या बचा, तेरी मर्जी। हाँ, जब फल देने की बारी आएगी ना, तब उसका डंडा चलेगा। आज तो तुम बड़े शौक शौक से वो प्लेट में सजा सजा करके, महंगे महंगे होटलों में जा करके गंदा गंदा खाना, पशुओं को आहार बना बना के मांसाहार खा रहे हो, बड़ी खुशी खुशी से हंसते हंसते सैकड़ों रुपया खर्च कर करके, महंगे महंगे ऑर्डर दे करके उसमें मांसाहार खाते। बताओ, सोचो कितनी निकृष्ट नीचता की बात है। माफ करना बुरा लगे तो कोई, लगे तो लगे, तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या बिगाड़ोगे। पर सच है कि नहीं ये बात? प्लेट में क्या है कि सामने भोजन की थाली में क्या जानते हो? खून, रक्त। वो शब्द भी कहने में बड़ा बड़ा अजीब लगता, विचित्र लगता है। हड्डी सामने रखी हुई है, उसको खा रहे हैं स्वाद में, खुश हैं, हंस रहे हैं, कितनी मूर्खता की बात है। चलो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ भारत में, मान लिया तुम नहीं जानते भारतीय संस्कृति को, तुम नहीं हो सनातन धर्मी, पता ही नहीं है तुम्हें मानव होता क्या है। मान लिया विदेशी संस्कृति में ये होता है, लोग खाते पीते, ना समझ है वो, पर तुम तो समझदार हो, तुम तो राम और कृष्ण के देश में पैदा हुए हो। जहां राम जी जब चलते हैं ना, तो एक एक कदम से आगे नहीं देखते। महावीर बुद्ध जब चलते हैं तो जमीन पे देख के चलते, कहीं कोई चींटी ना दब जाए। ये उस महावीर और बुद्ध का देश है जहां चींटी से भी बचने, ये वो देश है जहां ये सिखाया जाता है कि छत पर गर्मी में थोड़ा पात्र में पानी भर के रख दो, गर्मी पड़ रही है, पशु पक्षी प्यास बुझाएंगे। ये वो देश है जो सुबह उठ के गाय को रोटी और चारा देने वाला देश है। ये कब से गाय की हत्या, पशुओं की हत्या करने पर हम उतारू हो गए? एक समय था जब कोई मांसाहार खाता था ना, तो उसको हीन दृष्टि से देखते थे, अरे राम राम राम, नॉन वेज खाता। आज उल्टा हो गया है। आज कोई ये कहे ना हम शाकाहारी हैं, तो तथा कथित पढ़े लिखे लोग उसको हीन दृष्टि से देखते, अरे तुम शाकाहारी हो, तुम ये नहीं खाते, अरे बड़े पुराने ख्यालात के, हद हो गई।
आजकल की कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बच्चे, कितने बच्चे आकर के कथा में जब मिलते हैं तो कहते क्या करें, बड़ी मजबूरी है, नहीं खाते तो साथ वाले बच्चे चिढ़ाते, कौन से जमाने में जीते हो। ये जमाना नहीं, हमारे संस्कार हैं कि हम किसी पशु पक्षी को दुख नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते, ये हमारी संस्कृति है। और इतनी निकृष्टता आ गई, कई साल पहले की बात है, एक दिल्ली की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है JNU यूनिवर्सिटी, वैसे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें रहती है सुर्खियों में, एक बार सुर्खियों में क्यों आई, बोले वहां के बच्चे मांग उठा रहे। क्या मांग उठा रहे बच्चों ने? मांग उठाई, विदेश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बीफ पार्टी होती है, हम अपनी इस JNU में बीफ पार्टी करें। बीफ मतलब गोमांस। बताओ, भारत के बच्चे जो देश का भविष्य हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे बीफ पार्टी करेंगे। वो तो गनीमत हो भगवत कृपा की सरकार ने उसको पारित नहीं किया, नहीं तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है देश में, गौमांस को रख करके स्वाद के लिए खा रहे हैं। स्वयं समझें, अपने बच्चों को समझाएं, आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएं, आगे आने वाले बच्चों को समझाएं, मांसाहार से दूर रखें। आम बन गया है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, हम तो भगवत कृपा से सारी दुनिया में घूमते हैं, जहाँ जाओ जिधर देखो हर तरफ बस पशु पक्षियों पर अत्याचार, और कुछ भी नहीं तो वो जो आता है अंडा, बोले ये तो हम खाते, और पता नहीं किस महान व्यक्ति ने ये कह दिया अंडा जो है ये शाकाहारी होता है, शाकाहारी की गिनती में लोग गिनने लगे, क्यों, क्या उसमें प्राण नहीं होते, छोड़ दोगे तो उसमें से एक जीव प्रकट होगा हंसता खेलता। उसमें एक कोई और महान व्यक्ति ने एक लाइन और बना दी, संडे हो या मंडे, आधी छोड़ दी, पूरी नहीं बताई, पूरी सुन, पूरी सुनोगे, इतनी बताई संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे फिर ऊपर जाके खाओ डंडे, अगली लाइन वो जोड़ना भूल गया। जब पड़ेगा ना यमदूत का डंडा, यम की मार जब पड़ेगी, मैंने पहले ही दिन कहा था ना, गंगा जी भी उन्हीं पापों को धोती हैं जो गलती से होते हैं, जानबूझ करके तुम करोगे तो गंगा मैया भी हाथ खड़ी कर देंगी, निकल यहाँ से, आ गए हम नहीं, पश्चाताप से करोगे कि हाँ हो गई कभी गलती, नहीं थी समझ, लेकिन अब भी अगर उसी गलती को करोगे तो फिर अपराधी घोषित किए जाओ। इसलिए दूर रहे इन सब, अरे आप, मैं आप सब के लिए तो बिल्कुल नहीं कह रही, आप सब तो दूर ही होंगे इन सब चीज़ों से, धाम में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हो, पर और भी आपके कोई जानने वाले मित्र संबंधी बालक बच्चे, उनको भी समझाइए, इस सब से दूर रखिए। भगवान की प्रकृति बड़ी बैलेंस से बनी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते, अजी हम नहीं ये सब खाएंगे तो पशु पक्षियों की तादाद बढ़ जाएगी दुनिया में। तुमने बड़ा ठेका ले रखा है भगवान की प्रकृति का, क्या भगवान में इतनी भी समझ नहीं कि प्रकृति कैसे चलानी है? उसने सब प्रकृति पहले से समझदारी से चला रखी है, कौन क्या खाएगा, कौन मांसाहारी कौन शाकाहारी, ये भगवान पहले से, मनुष्य विज्ञान भी कहता है, एक साइंस की टर्म होती है हार्निवोरस कार्निवोरस, जो जीभ से पानी पीता है, जो जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी होता है, जो होंठ से पानी पीता है वो शाकाहारी होता है। आप किससे पीते हो बोलो? होंठ से तो पिएंगे, होंठ से लगा करके पिएंगे। तो अब शेर जीभ से पानी पीता है, वो मांसाहारी। अब मांसाहारी प्राणी को, अब शेर को मैं लाख प्रवचन दूं कि भैया मांसाहार छोड़ दे तो छोड़ेगा? उल्टा पहला भोजन मेरा ही करेगा कि तू ही आ पहले, तेरी बड़ी जीभ चल रही है, इधर आ। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, गाय भूखी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी,